नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ 8365 में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के इस बुलेटिन में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट दो न्यूज़ हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला न्यूज़ हमारा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति, और दूसरा न्यूज़ होगा हमारा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। चलते हैं फटाफट न्यूज़ बुलेटिन पर नज़र डाल लेते हैं। पहला जो टॉपिक हमारा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में 15वें भारत की राष्ट्रपति चुनी गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उस पर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि इसके आसपास आपके क्वेश्चन कहाँ से बनाए जा सकते हैं। दूसरा जो टॉपिक हमारा होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी जगदीप धनखड़ जी को चुना गया है, उन पर हम लोग बात करेंगे यहाँ से कैसे क्वेश्चन आपके बनाए जा सकते हैं। तो न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि जो हम लोगों न्यूज़ 365 शुरू किया गया है, ये पूरे आपके एक साल का करंट अफेयर का कंपाइलेशन होता है। इसमें हम पूरे एक साल के आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर के पॉइंट होते हैं उनको हम लोग कवर करने की कोशिश करते हैं, जिसके इर्द गिर्द ही आपके परीक्षा के लिहाज से क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उनको हम लोग देखने की समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं हम लोग पहले अपने न्यूज़ पर नज़र डाल लेते हैं। पहला न्यूज़ हमारा होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी भारत का राष्ट्रपति। हाल ही में 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव हुआ था, इसमें द्रौपदी मुर्मू जी को चुना गया है। द्रौपदी मुर्मू जी भारत की ऐसी महिला हैं जो जनजाति से बिलोंग करती हैं, यानी पहली बार भारत में कोई महिला जो राष्ट्रपति पद के लिए चुनी गई है जो किसी जनजाति से बिलोंग करती हैं, इसी वजह से ये न्यूज़ में रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इलेक्शन कैसे इनका कंडक्ट करवाया जाता है, कौन इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। मैं आपको बता दूँ कि इलेक्शन कमीशन सेंटर का इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन को कंडक्ट करवाता है। भारत के संविधान में भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक केंद्र सरकार के लिए अनुच्छेद दिए गए हैं, जिसमें पहला अनुच्छेद होता है 52 जो हमारे प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए इंडिकेट करता है। इसमें ये कहा गया है कि देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक नागरिक होगा। हमें पता है होना चाहिए कि भारत का प्रथम नागरिक होता है प्रेसिडेंट। अब समझ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, कौन करवाता है। हमें इतना पता होना चाहिए कि भारत का एक चुनाव आयोग होता है सेंटर का, जो प्रेसिडेंट का चुनाव, वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव, लोकसभा का और राज्यसभा का चुनाव कंडक्ट करवाता है। आर्टिकल 62 क्लाज 1 में दिया गया है कि किस तरह से वैकेंसी क्रिएट होगी प्रेसिडेंट के लिए। बात कर लेते हैं प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है। सबसे पहला पॉइंट होता है कि इनका 5 साल का जो टेन्योर होता है वो ख़त्म हो जाता है, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। दूसरा पॉइंट होता है कि अगर इन्होंने रिजाइन कर दिया हो तभी पोस्ट खाली हो जाएगी। तीसरा कारण ये हो सकता है कि इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा करके इनको हटा दिया गया हो, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी। और चौथा और लास्ट होता है कि अचानक इनकी डेथ हो जाती है, तो उस तरह से भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब वैकेंसी क्रिएट हो जाती है तो इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सबसे पहले इलेक्टोरल कॉलेज बनाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं लोकसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, राज्यसभा के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस राज्यों के असेंबली के सभी इलेक्टेड मेंबर्स, प्लस 2 UTs दिल्ली और पौंडीचेरी के इलेक्टेड मेंबर्स। इसमें आपको याद रखने वाली बात यह है कि कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर यहाँ शामिल नहीं होता है। जैसे लोकसभा में 2 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं और राज्यसभा में 12 नॉमिनेटेड होते हैं और राज्यों के असेंबली में एक नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, तो वो लोग इसमें शामिल नहीं होते हैं। दूसरी बात कर लेते हैं कि सिस्टम, जिस सिस्टम से इनका चुनाव किया जाता है उस सिस्टम का क्या नाम है। उसका सिस्टम है ये कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इस सिस्टम से इनका चुनाव करवाया जाता है, यानी कह लें ऐसे कि इनका चुनाव इनडायरेक्ट तरीके से होता है, बाय पीपल नहीं होता, यानी हम आप जैसे लोग इनको चुनाव नहीं दे सकते। जो लोकसभा या राज्यसभा के मेंबर होंगे या राज्यों की असेंबली के मेंबर होंगे वही चुनाव इनको दे सकते हैं। चुनाव में कोई भी व्यक्ति जो 50+1% वोट पा जाता है वो विजेता होता है, वो विनर होता है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के वोट की वैल्यू राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर के ऊपर बेस होती है। दिल्ली और पौंडीचेरी प्लस जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे विधानसभाएं थीं, इनके भी ऊपर डिपेंड करेगी। 2022 के चुनाव की बात करें तो MP के वोट की वैल्यू कम हो गई थी, टोटल वैल्यू होती है 708, जिसमें से 8 कम हो गई थी और 700 रह गई थी, क्योंकि जम्मू कश्मीर का विधानसभा का जो वोट वैल्यू थी वो इसमें शामिल नहीं थी। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि जम्मू कश्मीर को 370 धारा हटाने के बाद 19 में उसे 2 UT में बांट दिया गया है, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख में। तब से वहाँ पे विधानसभा नहीं थी, अब विधानसभा बनेगी तब फिर उसको शामिल किया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि 22 के चुनाव में जम्मू कश्मीर इसमें शामिल नहीं था। तो ये सारी बातें हो गई इलेक्शन कैसे कंडक्ट होता है, कौन कौन इसमें शामिल होता है। एक बात कर लेते हैं हम लोग आगे चल करके, एक इम्पीचमेंट एक प्रोसेस होता है जो प्रेसिडेंट के ऊपर केवल लगता है और बाकी किसी भी पॉलिटिकल पोस्ट के लिए इम्पीचमेंट प्रोसेस नहीं चलता है। तो इम्पीचमेंट में बात कर लेते हैं इम्पीचमेंट होता क्या है। इम्पीचमेंट आपके संविधान के आर्टिकल 61 में दिया गया है, इसमें एक प्रोसेस चलता है जिस प्रोसेस से
प्रेसिडेंट को हटाया जाता है। इसकी प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि सबसे पहले प्रेसिडेंट के ऊपर अगर इम्पीचमेंट चलाना है तो पार्लियामेंट में 14 दिन पहले इनको नोटिस दी जाएगी। इसके बाद फिर 1/4 मेंबर्स के द्वारा साइन होने चाहिए उस बिल पर। फिर उसके बाद 2/3 से दोनों हाउस में बिल पास होगा। इसके बाद जा कर के प्रेसिडेंट के ऊपर इम्पीचमेंट चलाया जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इनके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लागू होता है। और इलेक्शन कमीशन को यह गाइडलाइन है कि जब कभी भी प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली होती है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर ही भरना जरूरी होता है। चलते हैं आगे, कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल पे बात कर लेते हैं, कौन कौन से आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड हैं। सबसे पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल 52 में ये कहा गया देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा। फिर दूसरा आर्टिकल होता है आर्टिकल 54 में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन जब वैकेंसी क्रिएट होती है तो इलेक्शन कमीशन इनके इलेक्शन करवाएगा। आर्टिकल 55 में ये कहा गया है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, यानी अलग अलग राज्यों से जो लोग इनको चुनते हैं वो लोग शामिल होंगे। आर्टिकल 56 में ये कहा गया है कि इनका जो टेनर होगा वो 5 साल का होगा। 5 साल की पोस्ट ख़त्म होने के बाद, जैसे इनकी 5 साल का टेनर ख़त्म होता है वैसे ही इनके चुनाव करवाने होंगे, और चुनाव करवाने में मैक्सिमम आपको 6 महीने के अंदर अंदर में चुनाव करा लेने होते हैं। ये इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइन है। अगला आर्टिकल हमारा था आर्टिकल 57 में ये दिया गया है कि 57 में इनके री इलेक्शन की बात की गई है कि कैसे कैसे री इलेक्शन इनका पॉसिबल है या नहीं। तो आपको याद रखना है कि प्रेसिडेंट के लिए पोस्ट के लिए जो कोई व्यक्ति चुना गया है वो दोबारा भी उसी पोस्ट के लिए चुना जा सकता है, इसे हम कहते हैं री इलेक्शन पॉसिबल है। अगला आर्टिकल हमारा आर्टिकल 58 में प्रेसिडेंट के क्वालिफिकेशन की बात की गई है। इसमें हम क्वालिफिकेशन समझ लेते हैं, क्या होती है क्वालिफिकेशन प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए, प्रेसिडेंट के पोस्ट के लड़ने के लिए। सबसे पहली होती है एक चीज़ कि सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए उन्हें, प्लस उनकी उम्र 35 साल होनी चाहिए, और उन्हें लोकसभा का मेंबर क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगला आर्टिकल हमारा होता है आर्टिकल 61 मैंने आपको बताया कि इम्पीचमेंट से रिलेटेड है, इम्पीचमेंट कैसे चलता है वो भी मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 62 जो मैंने आपको अभी पहले बताया कि आर्टिकल 62 में वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होती है वो सारे प्रोसेस दिए गए हैं। तो ये कुछ आपके आर्टिकल रहे हैं जो प्रेसिडेंट से संबंधित रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट इन आर्टिकल को याद रखना है, परीक्षा में आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये सारी बातें हो गई प्रेसिडेंट के इलेक्शन संबंधित, इससे आपके क्वेश्चन यहाँ से बनाए जा सकते हैं। याद क्या रखना है आपको है, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, कौन कंडक्ट करवाता है, कितने साल का टेनर होता है, रिजाइन किसको देते हैं आपने पता कर लिया, रिजाइन ये अपने वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं जब अपनी पोस्ट से रिजाइन करते हैं, तो इनके ऊपर कोई एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं लगता है। ठीक है, चलते हैं दूसरा न्यूज़ पे बात कर लेते हैं। दूसरा न्यूज़ हमारा होगा वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये न्यूज़ में क्यों रहा है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ जी को वाइस प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया है। वाइस प्रेसिडेंट जो इंडिया की सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट होती है, फर्स्ट हाईएस्ट हमने देखा था प्रेसिडेंट की पोस्ट थी, दूसरे हाईएस्ट पोस्ट में होती है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब इनके इलेक्शन की बात कर लेते हैं, इनका इलेक्शन भी उसी तरीके से होता है जैसे प्रेसिडेंट का चुनाव हो रहा था, यानी सेंटर का इलेक्शन कमीशन इनका इलेक्शन कंडक्ट करवाता है। सबसे पहले काम क्या करता है, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाता है। इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन लोग शामिल होते हैं, बस याद रखना है आपको है कि इलेक्टोरल कॉलेज में लोकसभा और राज्यसभा के सभी मेंबर्स शामिल होते हैं, यानी इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों। जैसा कि हमने अभी देखा कि प्रेसिडेंट के चुनाव में इलेक्टेड मेंबर शामिल होते थे लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर शामिल नहीं होते थे, प्लस राज्यों की असेंबली के मेंबर्स शामिल होते थे लेकिन यहाँ पर राज्यों की असेंबली से मेंबर कोई शामिल नहीं होते हैं। तो याद क्या रखना आपको है, याद आपको ये रखना है कि लोकसभा और राज्यसभा के केवल मेंबर शामिल होते हैं, दोनों इलेक्टेड और नॉमिनेटेड दोनों मेंबर इनके इलेक्शन में। इनका भी जो कार्यकाल होता है वो 5 साल के लिए होता है, इसका मतलब 5 साल के अंदर अंदर चुनाव करा लिए जाने चाहिए। अब उस सिस्टम की बात करते हैं जिस सिस्टम से इनका चुनाव होता है। जैसा हमने प्रेसिडेंट में देखा था सिस्टम वही है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, या हिंदी में कहा जाए तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा इनका इलेक्शन करवाया जाता है। इनका इलेक्शन सेक्रेट बैलेट पेपर से होता है, यानी इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट तरीके से होता है और बैलेट पेपर से होता है। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं, यानी जिसको हम एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कहते हैं, और ये इंडिया के सेकेंड हाईएस्ट पोस्ट भी होती है। जगदीप धनखड़ जी हमारे भारत के 14वें वाइस प्रेसिडेंट बने हैं। चलते हैं बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड। सबसे पहला आर्टिकल होता है आर्टिकल 63 आर्टिकल बोलता है देयर शैल बी ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक वाइस प्रेसिडेंट का इंडिया का होना चाहिए। दूसरा आर्टिकल है आपका आर्टिकल 64, इसमें बोला गया है कि राज्यसभा का एक एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होगा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा।
अगला आर्टिकल है आर्टिकल 66, इसमें ये बोला गया इलेक्शन कमीशन एक इलेक्टोरल कॉलेज बनाएगा, उसके द्वारा इनका चुनाव किया जाएगा। अगला आर्टिकल 67 है जिसमें 5 साल का इनका टेनर है, 5 साल के अंदर अंदर इनको चुना जाएगा। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 68 जिसमें वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होगी ये आपने देखना है। वैकेंसी कैसे कैसे क्रिएट होगी, पहला चीज़ है कि इनका टेनर 5 साल का ख़त्म हो गया हो, दूसरा इन्होंने अगर रिजाइन कर दिया हो तो, या अचानक इनकी डेथ हो जाती है तो इस तरीके से इनकी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, जो आर्टिकल 68 में ये बातें कही गई हैं। अब आप सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन, अगर प्रेसिडेंट की पोस्ट खाली है तो वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जाके बैठते हैं, और अगर वाइस प्रेसिडेंट की भी पोस्ट खाली है तब वहाँ पर कौन जाकर बैठता है, इस सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो आज की बुलेटिन में बस इतना ही, अगले बुलेटिन में हम लोग एक नया करंट अफेयर्स लेके आएंगे, उसमें कोशिश करेंगे और भी जो इम्पोर्टेंट आपके सब्जेक्ट में रिलेटेड टॉपिक हैं उनको देखने की कोशिश किया जाएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमसे कोई गलतियाँ ना हो, अगर ह्यूमन एरर की वजह से कोई गलती होती है तो हम उस गलती को सुधार करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिन कर देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, सी यू सून।